बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा अच्छा, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, केस स्टडी भी इसमें से आने के पूरे चांसेस है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ए लैडर 8 मीटर लॉन्ग, लैडर की खुद की लंबाई कितनी है? 8 मीटर, रीच इज ए डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल प्लेक्स्टर। तो पहले तो सब बच्चे एक वर्टिकल प्लेक्स्टर बना लीजिए, ए बी बना लिया। फ्लैग स्टंप का मतलब क्या होता है? एक लकड़ी का पॉल है, या वुडन भी हो सकता है, या मेटालिक भी हो सकता है, ए पे झंडा लगा हुआ है, ये फ्लैग स्टंप होता है कंप्लीट। कई बार तो फ्लैग स्टंप जमीन से ही होता है, जैसे इस क्वेश्चन में, कई बार फ्लैग स्टंप बिल्डिंग के ऊपर भी लगा होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो एक एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सपोज ये ग्राउंड है और डी से एक लेटर है, डीसी। एक लेटर क्या बेटा? लेटर की खुद की लंबाई कितनी है? ए। लेटर की खुद की लंबाई कितनी है बेटा? ए। और लेटर यहां तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, रीचिज अ डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्लेक्सर। तो फ्लेक्सर के टॉप से 8 मीटर काउंट करूं तो मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं? सी तक सपोज, तो ये 8 मीटर है। और एक चीज और भी दी हुई है, क्या? एट द फुट ऑफ द लैडर, बताओ लैडर का फुट कौन से पॉइंट पे है? डी। डी से आपने किसको देखा? फ्लैग स्टंप के टॉप को देखा, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टंप। सो फ्लैग स्टंप का टॉप क्या बेटा? ए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 60 डिग्री। ये बात कितने बच्चों को समझ आई? अब यहां तक डायग्राम कंप्लीट हुआ पहले तो। अगर डायग्राम ही कंप्लीट नहीं होगा, ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हो गए नहीं, 3 4 नंबर वही है। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में आप डायग्राम बनाने की खूब से खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाने में आधा काम तो हो ही जाता है और आधा काम कैलकुलेशन का हो जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेशन भी करते हैं। अब यहां से आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ क्या क्या तरीके हैं। आइए पहला तरीका करते हैं। सर ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, एक राइट ट्रायंगल में दो एंगल 90 60 पता लग गए, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हुआ? बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का। वो कौन सा बनेगा? ये बनेगा। वो कौन सा बनेगा? ये बनेगा 30। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जल्दी से बताओ क्या डीसी इक्वल टू सी ए है? क्या डीसी इक्वल टू सी ए है? दोनों जो 8 8 है, लैडर की लेंथ भी 8 है और ऊपर से वो 8 मीटर हाइट तक आई थी, तो कौन सी ट्रायंगल हुई है? दो साइड इक्वल है तो कौन सी ट्रायंगल हुई? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो बेटा अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। हाँ जी, क्या रीजन लिख के आएंगे एग्जाम में बोलना? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख लोगे आप? मैं स्पेस की कमी की वजह से ये लाइनें नहीं लिख रहा, लेकिन आपने बोर्ड में लिख के आनी है। समझ गए मेरी बात? अब ये 60 है, ऊपर वाला 30 है, तो रिमेनिंग नीचे वाला कितने डिग्री का हुआ बोलो? 30 डिग्री का हुआ, क्योंकि कंप्लीट कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का था। बोला यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, अब हमें क्या 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 निकालना है? हाइट ऑफ टावर निकालना है। मैं बीसी को एक्स मान लेता हूं, टावर नहीं है फ्लैग स्टंप है, मुझे ए बी निकालना है। अगर मैं बीसी निकाल लूंगा तो एट में एड करके मेरा ए बी आ जाएगा, अब मेरा एक्स निकालना मेरे को। अब सबसे पहले ट्रायंगल सीबीडी पकड़ी है सब बच्चे, ट्रायंगल सीबीडी, राइट ट्रायंगल सीबीडी। तो बेटा राइट ट्रायंगल सीबीडी में सीबी में एक्स मान चुका हूं, एक्स अपॉन बीडी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/√3। तो बीडी क्या आ गया? एक्स रूट थ्री।
बीडी क्या आ गया बेटा, एक्स रूट थ्री। अब बड़ी ट्रायंगल ले लीजिए, ये एक्स मीटर्स नहीं मान लो, बाय डिफॉल्ट मीटर में है ना सारा। अब कौन सी ट्रायंगल लू शाबाश, बताओ कौन सी ट्रायंगल लू, ए बी डी, कौन सी ट्रायंगल लू, ए बी डी, जल्दी से बताओ ए बी कितना है, ए बी कितना बोलो, पूरा ए बी एट प्लस एक्स और नीचे बी डी, बी डी कितना है, एक्स रूट थ्री। तो आप तो लिख के आओगे पूरा प्रॉपर, सर ए बी अपॉन बी डी इज टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट है, अगर पूरी ट्रायंगल लिया तो 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री। शाबाश, और टेंजेंट 60 की वैल्यू बताना क्या होती है, रूट थ्री। एट प्लस एक्स इज रूट थ्री इंटू एक्स रूट थ्री, एट प्लस एक्स इज थ्री एक्स, तो टू एक्स इज एट, यहां पे कर रहा हूं मैं रिमेनिंग क्वेश्चन, टू एक्स इज एट, एक्स इज फोर, एक्स फोर आ चुका है भाई, तो पूरे फ्लैक्स टर्म की लेंथ क्या है, ए बी, एट प्लस फोर कितना हुआ, 12 मीटर। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्या आंसर है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैक्स टर्म, आंसर क्या लगा के आएंगे बोलो, 12 लगा के आएंगे, सबको आ गया समझ वाला मेथड। तो मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए दिया कि बच्चे को एक बार देखना है, दो बार देखना है, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, तो मैंने जल्दी जल्दी में बताता हूँ, रिवाइज भी करा देता हूँ मैं आपको, ये 90 है पूरा 60 था, तो रिमेनिंग 30, लैडर की लेंथ क्या थी 8, और वो ऊपर से भी 8 मीटर डिस्टेंस तक आ रही है, दो साइड इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, ये वाला 30, तो ये वाला भी 30, ये कंप्लीट 60 था, उसमें से ऊपर वाला 30 प्रूव हो चुका है, तो नीचे वाला सी डी बी भी 30 हो गया। अब मैंने ए बी को, सी बी को क्या माना, एक्स, एक्स अपॉन बी डी, क्या बोला मैंने, एक्स अपॉन बी डी, क्या होगा टेंजेंट 30, तो टेंजेंट 30 वन बाय रूट थ्री, तो बी डी की वैल्यू आ गई एक्स रूट थ्री, पूरी ट्रायंगल पकड़ ली ए बी डी, पूरी ट्रायंगल ए बी डी में 8 प्लस एक्स अपॉन एक्स रूट थ्री, 8 प्लस एक्स क्या है मेरा ए बी, एक्स रूट थ्री मेरा क्या है बी डी, ए बी अपॉन बी डी टेंजेंट थीटा, पूरी ट्रायंगल का थीटा 60 डिग्री था, टेंजेंट 60 क्या होता है, रूट थ्री। तो मेरा सॉल्व करके जो आया वो क्या आया था बेटा, 2x is equal to 8, तो x की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 4 आई, cb की वैल्यू 4 आई, ऊपर वाला जो मेरा a ही था, ऊपर वाला जो मेरा ac था वो 8 माना हुआ था, तो 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12 हो गया। सबको आ गया समझ अभी अच्छे से, ये वाला मेथड दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, आइए ट्रायंगल बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, ये 8 मीटर, ये 8 मीटर, ये था ना डायग्राम में, ये कंप्लीट 60 मीटर, ये 90 मीटर, ठीक है, तो कंप्लीट को आप एच मान लेना, कंप्लीट को क्या मान लेना, एच, एच की वैल्यू डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा लास्ट में सॉल्व करके। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको, तो सीबी क्या होगा बोलो, एच माइनस ए, सीबी क्या होगा बोलो, एच माइनस ए। आप पूरी ट्रायंगल लो, कौन सी पूरी ट्रायंगल, ए बी डी, नजर आ रही है ए बी डी, बी डी अपॉन ए बी कॉट होगा, बी डी अपॉन ए बी क्या होगा, कॉट, कॉट कौन सा, 60, कॉट 60 मालूम है क्या होता है, तो बी डी ए बी मैंने क्या माना है, एच कॉट 60 क्या होता है, BD मेरा आ गया एच बाय रूट थ्री। अब
ये राइट ट्रायंगल है सीबीडी। सीबीडी क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर लोगे इससे इसको सॉल्व करके एच क्या आएगा बेटा? 12 आएगा। मैंने एच पूरी फ्लैक्स स्टफ की हाइट मान ली। एच मैंने क्या मान लिया? पूरी फ्लैक्स स्टफ की हाइट मान ली। तो 12 आएगा। मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ 12 कैसे आएगा। आप चेक भी कर सकते हो कि सर ऐसे तो नहीं बोल रहे 12 आएगा नहीं आएगा। आप सोल्व कर लेना एच की वैल्यू 12 पुट करना। 12 माइनस 8 4 का स्क्वायर 16 हुआ। 12 बाय रूट 3 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 रूट 3 का स्क्वायर 3 144 बाय 3 48 48 प्लस 16 64 उधर भी 8 का स्क्वायर 62।